मासूम की दर्दनाक मौत है जी, हादसे के अंदर होगी। अज्ञात वाहन आयो तो भी का टक्कर मार दी, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। की थी देख पा रहे हो कि लंबो जाम थारे दूर तक है अठे नजर आओगो, क्योंकि कैमरामैन साथी ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी परेशानी अठे हो रही है। राम राम साहब, मैं हूँ मनोज और थे देख रहे हो जिलको चूरू। एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर है जी कि आरडी डीएसपुरा है जी की खबर आ रही है। NH 52 ने फिलहाल ग्रामीण है पे जाम कर रखे है। एक मासूम है जी कई दर्दनाक सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर मौत हो गई। बाद में ग्रामीण गुस्सा आ गया और गुस्साया ग्रामीण है जी का पहले तो मासूम ने है जी को पहले बड़े ले गया भर्ती हॉस्पिटल। बाद में है जी को डेथ होगी ही तो गुस्सा आ गया जी का परिजन है। NH 52 ने जाम कर दियो धरने पर है जी का बैठ गया। लंबी कतार है जी की थाने वाहन आगी नजर आवेगी एंग ऊपर है। और ग्रामीण यदि बात कर लिया तो बाद में है ग्रामीण अठे आपको धरने पर थोड़ी सी दूर में रूँ आगे धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन है जी का कर रहे हैं। चारों ओर दोनों साइड यदि बात कर लिया मुख्य और रस्तों ग्रामीणों को कहना है कि पहली ब्रेकर की डिमांड ग्रामीणों द्वारा करीजगी ही, लेकिन फिर भी प्रशासन है जी को अठे कोई कार्रवाई कौन करी। और बैंक कारण है जी का लगातार हादसा है वह इस सड़क पर कई बार हो जावे है और एंगी तय तो आज को जी को हादसा है वो हो गयो। अब अठे का चूरू DSP बुर्डक साहब इन्हें रतनगर थाना पुलिस है जी का अधिकारी लोग है SDM वगैरह तमाम लोग आ रहे हैं और वार्ता फिलहाल जब मैं कवरेज कर रहा हूँ बे टाइम है जी की चालने लाग रही है। थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा और लंबी कतार संदूर तक नजर आओगी। 10 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत है जी की हादसे के अंदर होगी और जी का ग्रामीण है बंग भी मानस का वाजिब है वो धरना प्रदर्शन की लगातार मांग है जी ब्रेकर वगैरह ही उठी और बैंक बाद में है गुस्सा गए जी का ग्रामीण है वह NH 52 ने है जी को जाम करे है। कुछ ग्रामीणों बातचीत करने की भी कोशिश कराऊंगा और बांगो वो लड़को जो खत्म हुए जो को और एक भी ताऊ जी को लड़को दोनों रोड क्रॉस करके खेत में जा रहा तो बड़ोड़ो लड़को तो रोड क्रॉस कर ली वो यहाँ देखो गया गाड़ी आ रही है साइड में ही खड़े हो रहे हो साइड में खड़े हो रहे हो जो साइड में से रोड से हो भी वो नीचे तो अज्ञात वाहन आयो तो भी का टक्कर मार दी ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। अब गाँव की मांग यह है क्या क्या एक घटना से 8 घटना हो चुकी है टोटल डेथ हो चुकी 3-4 एक्सीडेंट भी हो चुका घायल हो गया। पहले भी प्रशासन से कई बार अवगत करायो जना बन नीचे अंडरपास की मांग रखी तो आज झूठो ही आश्वासन मिल बोक रहे हो। आज गांव वाला सर्वसहमति से वो निर्णय ले गए कि जठा तानी अंडरपास को काम चालू नहीं होगो या एकदम पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिलेगी भटे तक आप ये रोड ने जाम रखा। बच्चों हो जी को कौन सी क्लास में पढ़ा कर 5वीं क्लास में पढ़ा कर तो अमित शाह नाम हो प्रशासनिक लोग आ रहे हैं तो के टाइप की वार्ता भी कहीं बनी है वार्ता कर रहा है कि नेशनल हाईवे से बात कर सियाँ बात करके आगे ही कार्रवाई कर सियाँ के आश्वासन मिला। अब राहुल जी भी आईडा है डिप्टी साहब आईडा है SDM साहब भी आईडा है तुम्हारे तो आई मांग है कि अंडर पास हो और बच्चन उचित क्लेम मिले। पहले भी थे बता रहे हो कहीं हादसा हो गया तो बेटाइम भी ग्रामीण है जिसका मांग करी के टाइप की मांग करी लेकिन झूठा आश्वासन मिल बोग रहा कि ठीक है धनपुड़ियों बना देसियाँ अंडर पास बना देसियाँ जो भी है लेकिन अब तो धरना प्रदर्शन पिछली घटना में कौन कर रहा बच्चों पोस्टमार्टम वगैरह हो गया ना को नहीं हुआ अभी तक हुए को नहीं हॉस्पिटल में ही है मोर्चरी में अभी बच्चों जिसको बच्चे डेथ हुई है कितना भाई बहन है एक छोटी बहन है पिताजी वहाँ कर सके एक आर्थिक स्थिति से एकदम कमजोर है। और भी कुछ ग्रामीण भाई साहब बता दिया कि लंबे टाइम में मांग उठा रहा तो फिर जहाँ क्यों अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज कुछ भी है ब्रेकर वेकर भी मन को लगे नहीं है ब्रेकर साहब लेकिन करें क्या मांग तो उठा रहे हैं करेंगे तो गवर्नमेंट इतनी रोड है ये इतनी लंबी और हो जाएगी तो फिर कैसे पार करेंगे। कृषि भूमि है इधर ही हमारे खेत है ये हमारा काम है मांग तो करते हैं मांग करने से क्या आश्वासन देते हैं और ये जैसे आज हुआ या आज क्यों करें मालिक को इससे ये सब होता तब आते हैं क्या 9-10 साल को बच्चों है जी गए तो परिवार की स्थिति तो आप मानस का के है जी नाजुक स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है एकदम गरीब आदमी है। आज संडे था इसलिए वो चला गया हालांकि वो स्कूल में जाते हैं ऐसे क्या करते हैं स्कूल को सुबह टिफिन तैयार के बच्चों को स्कूल में बैठाते हैं सर और आज वो क्या है कि वो संडे था कि मम्मी मैं भी चलूँ इसलिए वो साथ में आया था। ये सब समझते हैं प्रशासन भी है ये भी कोई मूर्ख नहीं है हम भी कोई मूर्ख नहीं है लेकिन हम ये सोचते हैं हमारा एक रास्ता हो जाए चाहे ऊपर की हो या नीचे की आने जाने में हमारे कोई दिक्कत नहीं हो रोड तो जाएगी रोड तो गवर्नमेंट की पशु लेके भी खेत में जाते बता रहे हैं कई हादसा वगैरह खेत भी जाना पड़े ग्रामीण यही है गाँव के खेत यही है इधर से जाना पड़ता है मेन रास्ता है करें क्या बताओ
तो ये नीचे की हो जाते, पानी से नहीं मरते सर, गाड़ी से मर जाते हैं। पानी से तो क्या डूबता था कि वो ऑफिसर जाएगा, लेकिन नीचे की हो जाते आराम से निकल जाए, पानी याद नहीं जाना बच्चे, बात तो इतनी है। ये बात है सर, भेड़ बकरी पशु सारे लेके जाओ साफ खेत में, 8-9-5-6 बोटे तभी मिल जाए बैठे, मतलब बच्चा साइड में बकरियाँ पड़े हैं, अब इलाज का है, 4 लाइन होने के बाद रोड क्रॉस ही कौन कर सकें, इसलिए नहीं बीच में डिवाइडर आएगा सर, 3-4 फुट का तो बीच में 4 लाइन में डिवाइडर ही आएगा, तो डिवाइडर पर किसी आदमी बंदा अकेला ही रोड नहीं पार कर सकता, तो भेड़ बकरी या भैंस बकरी लेके कैसे पार करेगा। गाँव वो बच्चों हो, ये डानी डीएसपुरा का बच्चा था, पिता का नाम सीताराम और बच्चे का नाम क्या था, अमित। एक लड़का एक लड़की, उसका तो घर का चूल्हा है ना, वो भी बंद हो गया, गरीब परिवार से। और मांस का छोटे बच्चे ही उम्र डेथ होने तो गाँव का ही चूल्हा तो आज जलेगा नहीं, हम तो कोई डर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता सर, सबको तकलीफ है, कितने बंदे खड़े, बच्चे तो सबके होते हैं, कोई के बड़ा कोई के छोटा भी है, ये तो कोई बात नहीं है, तकलीफ तो सबकी होती है, इसीलिए खड़े हैं कि हमें एक रास्ता दो, या तो ऊपर का ब्रिज बना दो या नीचे का रास्ता बना दो, एक रास्ता दो, क्योंकि 4 लाइन बनेगी, 4 फुट का डिवाइडर रहेगा ये रोड की, आप देख लो कितनी बनेगी 4 लाइन की दूरी, इधर से खेत में एक मेरी भी मम्मी आ रही है, एक बकरी है उसके हाथ में, सिर पे उसके कुंडा मान लो, रोटी घास मान लो, वो लेके आ रही है, वो एवरी बकरी जाएगी, एवरी इधर होगी इधर होगी, तो वहाँ तो ऐसे ही चलेंगे ना। और ग्रामीण दिनचर्या भी लगभग आई रवे जी की थे, बताइए। तो यही है सर, सब खेती का काम करते हैं, रोड बनो क्या दिक्कत है, साधन है, हमारे कोई तकलीफ नहीं है, रोड बनो हमारे तो आराम है यार, ये सब सही है, लेकिन कुछ रास्ता निकालो, या तो ब्रिज निकाल दो नीचे से या ऊपर से। जी देख पा रहे हो कि लंबो जाम सारे दूर तक है, अठे नजर आओगे, क्योंकि कैमरामैन साथी ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी परेशानी अठे हो रही है, और डंपर यही टाइप को है, तो थाने लंबी दूर तक बात कर लिया, तो ये धरना प्रदर्शन के अंदर जाम नजर आओगे, एक ट्रक के ऊपर फिलहाल में चढ़ गया, रिपोर्टिंग है जी कर रहे हूँ, तो काफी लंबो जाम है जी को अठे लागो है, ग्रामीण या मांग ही अब कुछ ही समय बाद जाम है जी को खोलने की भी सूचना आने लगी। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी में इसी बात को लेकर उसी में जो लोकल गांव वाले उन्होंने जाम कर दिया था, अभी वार्तालाप हमारी हुई है उनसे, सांसद मौजूद थे तो वार्तालाप तो हुई, जाम हो गया तो जी के 10 वर्षीय मासूम या 9 वर्षीय मासूम है जी का मौत हुई, बाद में ग्रामीण गुस्साया जी का जाम लगाए, वो करीब 3 बजे रविवार ने शाम का है जाम प्रशासन वार्ता के बाद में खोल दियो गए, और अभी का साधन है वे सुचारू रूप में थाने चलता है जी का नजर है वे आवेगा, तो एक दर्दनाक खबर है जी का चूरू जिले के अंदर सामने आई, और जैसे गुस्साया ग्रामीण है जी का जाम भी NH 52 ने कर दियो, बाकी चूरू जिले अपडेट खातर देखता रहो झलक चूरू, जय चूरू, जय राजस्थान, जय।